समाजवादी पार्टी के यादव वोट में बहुजन समाजवादी पार्टी के शुकवाद विधानसभा के प्रत्याशी अनिल यादव लगाएंगे सेंध। कहा यादव उनके साथ सपा प्रत्याशी का है काफी विरोध। फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दी है जो जीत का दावा करते हैं और उनकी क्षेत्र में पकड़ भी है। अगर बात शुकवाद विधानसभा की जाए, यहां से 1993 में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से विधायक बने और यह समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन इस 2022 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने अनिल यादव को शुकवाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, जो कि घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस विधानसभा में 1,00,000 से ऊपर यादव वोट है और 50,000 के करीब जाटव वोट है। अगर यादव वोट अनिल यादव के खेमे में चला जाता है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश वर्मा को काफी नुकसान होगा, क्योंकि उनका यहाँ काफी विरोध है। इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल यादव का मानना है कि यादव वोट उन्हें मिल रहा है। सर, क्या नाम है आपको? किस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार यादव है। मैं बहुजन समाज पार्टी से शुकवाद विधानसभा से चुनाव लड़ा हूं। नो डाउट शुकवाद विधानसभा में यादवों का सर्वाधिक वोट है। यहाँ से अभी जो विधायक थे बीजेपी से डॉक्टर मुकेश वर्मा, वो अभी हाल ही में बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले से ही जो तैयारियां कर रहे थे और यहाँ का यादव समाज जिसको डॉक्टर मुकेश वर्मा ने पिछले 5 साल तक काफ़ी प्रताड़ित किया है, और इसलिए पूरा समाज उनसे नाराज है। वो किसी भी कीमत पर डॉक्टर मुकेश वर्मा का को वोट नहीं करना चाहता। हर गांव में डॉक्टर मुकेश वर्मा का विरोध है, वो किसी गांव में जा नहीं पा रहे, उनको घुसने भी नहीं दिया। किस पार्टी से आप फैट मानते हैं विधानसभा चुनाव? किसी बहुजन समाज पार्टी से फैट रही है? बहुजन समाज पार्टी की फाइट अब किसी से नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर के लिए भाजपा और सपा चुनाव लड़ेंगे। सर, मुद्दे क्या हैं? क्या किस क्या काम बाकी है अभी इन विधानसभाओं में? आप तो घूम रहे हैं, आपको देखा होगा। मैंने अभी जो क्षेत्र में घूम रहा हूं तो जगह जगह आप देखिए गांवों की स्थितियां बहुत बदहाल हैं, सड़कें बनी नहीं है, और जो वर्तमान विधायक हैं वो गांव में घुसे नहीं है। हर गांव से ये शिकायत है कि 5 साल हो गए हमने विधायक जी की शक्ल नहीं देखी है। तो ऐसी इन सब परिस्थितियों में बहुत समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे गायों की है, जो गाय रात को छोड़ दी जाती हैं और यहाँ के खेत बर्बाद कर रही हैं। इसलिए यहाँ का किसान बहुत परेशान है। मैं उन सब किसान भाइयों को आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले इन गाय की समस्या से इन किसान भाइयों को निजात दिलाऊंगा। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है? और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड।